चलते हैं बिहार, जहां कुछ ही देर में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे बतौर मुख्यमंत्री। एक बार फिर से वो शपथ ग्रहण करेंगे और ये तैयारियां आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। बाकायदा नौवीं बार एक बार फिर से नीतीश कुमार, और गठबंधन में दरार आ चुकी है क्योंकि, और इसीलिए एक बार फिर से वो शपथ ग्रहण के लिए यहाँ पर मौजूद है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से एनडीए के साथ नीतीश कुमार, और नौवीं बार वो शपथ लेंगे। गठबंधन में दरार आने के बाद नीतीश कुमार का ये बड़ा फैसला, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ, और अब शपथ ग्रहण की तैयारी आप देखिए किस तरीके से की गई है। यहाँ पर कुछ ही देर में नीतीश कुमार आएंगे और शपथ लेंगे। नीतीश कुमार नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए ये देखिए पहुंच चुके हैं राजभवन, राज्यपाल वहां पर मौजूद हैं। शपथ लेने के लिए पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की। बिहार में एनडीए सरकार, गठबंधन में आई दरार और फिर से अब एनडीए सरकार। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और मंच पर पहुंच चुके हैं, ले रहे हैं। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा के ज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्मिलित होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं
मंत्रीगण की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। आदेश, बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुमित कुमार सिंह, बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथो, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भाई या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।